दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आर के मैं सॉल्यूशन। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं आज 10.4 का 13वां क्वेश्चन है। कहता है एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपया है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। टेलीविज़न का जो मूल्य है वो 13,000 रुपया दाम है, 12% कर लेगा तो वो उसको कितना रुपया देना होगा। ठीक है, तो टेलीविज़न का जो मूल्य है वो 13,000 रुपया है और बिक्री कर 12% है, तो जो विक्रय मूल्य होगा टेलीविज़न का, जो विक्रय मूल्य होगा यहाँ पे लिख लीजिएगा टेलीविज़न का जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा 13,000 रुपया और प्लस में उसको देना होगा 13,000 का 12%। ठीक है, तो यहाँ पे 13,000 हो गया, 13,000 प्लस ये 2 शून्य से 2 शून्य काट दें, बचा 130 और गुना 12। ठीक है, 13,000 प्लस 12 + 36 के 6 वाक्यात में 3 और 12 × 12 और 3 = 15 हो गया, 1 शून्य था 1 शून्य उतार दिया, 1560 रुपया, यानी कि 13,000 का 12% 1560 रुपया आया। तो 13,000 में 1560 रुपया जोड़ देंगे, 14,560 रुपया विनोद को देना होगा। ठीक है, अतः विनोद को 14,560 रुपया भुगतान करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित वस्तुओं को खरीदने पर यदि 5% बिक्री कर का बिक्री कर जुड़ता है तो प्रत्येक का खरीद मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, नीचे पहला में है कि 50 रुपया वाला एक तौलिया है। ठीक, 50 रुपये वाला एक तौलिया खरीदा है जिसमें 5% उसको बिक्री कर देना होगा, तो 50 का 5% प्लस 50 रुपये था ना, तो तौलिया का विक्रय मूल्य यहाँ पे लिख लीजिएगा, तौलिया का विक्रय मूल्य हो जाएगा 50 + 50 का 5%। ठीक है, 50 और 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए, ऊपर पहुँचे 25/10, नीचे शून्य वाला संख्या रहने दे ताकि भाग करने में आसानी हो। ठीक है, तो 50 + 25 में 10 से भागा देंगे, शून्य वाला संख्या से भागा देते हैं, जितना अंक 0 होगा उतना अंक हम दशमलव को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो एक यहाँ पे शून्य है तो एक अंक बाद दशमलव दे देंगे, यानी 2.5, तो 50 + 2.5 तो 52.5 हो गया इसका, 52.5 रुपया तौलिया का विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, और इसमें साबुन की 2 टिकिया जिनमें से प्रत्येक का मूल 35 रुपये, तो 2 टिकिया का मूल्य कितना हो गया, साबुन की 2 टिकिया का मूल्य हो गया 35 × 2 = 70 रुपया। ठीक, अब 70 का वो 5%, तो 2 साबुन का विक्रय मूल्य 70 + 70 का 5%, 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ भी काट दें, तो 7 + 5 = 35, 70 + 35 = 10, 10 में 10 से भागा दे तो 1 शून्य है 10 में, तो हम एक अंक बाद दशमलव दे देंगे, 70.35 यानी 73.5 इसका आंसर हो जाएगा 2 साबुन का। 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 kg आटा, ठीक है, तो 5 kg आटा का मूल्य कितना होगा, यह तो एक किलो का दाम 15 रुपये है, तो 5 kg आटा का दाम 15 × 75 रुपये हो जाएगा। ठीक, तो 5 kg आटा का जो विक्रय मूल्य होगा, एसपी सेलिंग प्राइस होगा, तो 75 + 75 का 5% बोलेगा। ठीक है, तो 75 प्लस यहाँ पे नीचे शून्य वाला संख्या रहने दें ताकि भाग करने में आसानी हो। ठीक है, 75 और 5 से गुना कर दिए, 25 भाग कर 37 × 35 = 37। अब नीचे 2 शून्य है तो 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे, 75 + 2 अंक बाद यानी 1 2 अंक बाद यानी 7 के बाद दशमलव बैठेगा, 3.75, तो इसको आप ऐड करेंगे तो 75 और 3 = 78 हो जाएगा, 78.75 आपका आंसर हो जाएगा। किताब में इसका आंसर पता नहीं कैसे 168 देता है, लेकिन वो नहीं होगा, यहाँ पे प्रत्येक का दाम पूछ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं ऊपर, तो प्रत्येक का खरीद मूल्य ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक का खरीद मूल्य
हमने निकाल दिया, यही आंसर होगा रियली में। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वस्तुओं के मूल्य में यदि 8% बैट सम्मिलित है तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। इसमें बैट सम्मिलित है यानी टैक्स इसमें 8% सम्मिलित है। जैसे 14,500 रुपये में खरीदा गया एक टेलीविज़न, ठीक है, तो टेलीविज़न में 8% भी ऐड है, ठीक है, तो उसका तो वास्तविक मूल्य कुछ और होगा, है ना, उसको हम एक्स मान लेंगे। ठीक है तो एक्स मान लेंगे और इसमें इसका 8% ऐड करने पर यहाँ पे दिया हुआ 14,500 रुपये, ठीक है। तो माना कि टेलीविज़न का वास्तविक मूल्य 100 रुपया है, ठीक 100 रुपया है, तो अगर 100 रुपया है तो उसका 8%, प्रश्न से जो बोल रहा है वो लिख देंगे, समीकरण एक बनाते हैं, ठीक है, जिससे हम एक्स का मूल निकालें। तो एक्स, ठीक है, एक्स प्लस एक्स का 8%, इतना जो है वास्तविक मूल एक्स होगा हमने माना, और उसमें अगर एक्स का 8% जोड़ेंगे तो वो कितना है 14,500 रुपया, ठीक है। तो अब इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे, तो नीचे कुछ नहीं तो एक है, एक 100 का एलसीएम ले लिए तो 100, तो ठीक है, तिरछा तिरछी गुना कर दी तो 100x + 8x 108x हो जाए, 14,500 इधर है, 100 इधर भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 100 इधर गुना में हो गया, ठीक, इधर बचा 108x, 100 + 8 जुटा तो 108x, अब यहाँ पे 108 गुना में इधर आएगा तब भागा में हो गया, ठीक। अब x का मान निकालना है, इसी को सोल्व करना है, ठीक है, 54 × 108 होगा, तो दो बार में हम ऊपर भी काट दिए, 7 × 14, ठीक, 2 × 4 बचा 1, तो 1 और 0 = 10, तो 5 × 10 10 बच गया, ठीक है, यानी 7250 गुना 100 अभी बचा है, तो 7250 गुना 100 अभी भी 27 × 54 इसको काटे हैं, और 3 × 6 = 6 × 12, ठीक है, यानी 36 × 72 और 2 × 4 बचा 1 और 1 और 0 = 10, 5 × 10 यानी 3625, ठीक, गुना 100, 3625 गुना 100/27 इसको भागा किए हैं हम ऊपर में, 3625 गुना 100 करेंगे तो कुछ इतना आएगा, ठीक है, ऊपर देख लीजिए भागा किए, तो इसमें इतना में भागा किए 27 से पहले तो एक बार में लगेगा, ठीक, एक बार में लगा फिर बच्चा 9 2, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, फिर 27 = 81 फिर बच्चा 1 1 5 उतारे हैं, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, फिर 108 27 + 78 से फिर 7 बचा, फिर 0 उतारे, 27 × 54 फिर लगाएं, फिर बचा 6 और 1 0 फिर उतारे, तो 27 27 5 35 से फिर बचा 25, अब है नहीं इसलिए पॉइंट लगाकर 1 0 उतारे, तो फिर 9 से लगाएं, 27 × 9 = 243, फिर 7 बचा, फिर 0 उतारे, 27 × 2 फिर 54 लगाएं, ठीक है, उसके बाद बचा कितना 1 और 6 बचा, तो 1 और 6 बचा तो फिर लगाएंगे 5 से, तो फिर वही चीज़ रिपीट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फिर से रिपीट हो जाएगा, 5 बार में फिर से लगाएंगे 243 आएगा, तो फिर से वही चीज़ आता रहेगा, ठीक है, इसलिए इसको एक अंक बढ़ा देते हैं, मतलब जो पॉइंट के बाद 2 9 9 और 2 आया उसको एक डिजिट बढ़ा देंगे, 2 है तो उसको 3 कर देंगे, ठीक है, तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया इतना, ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है, 180 रुपये में खरीदी गई शैम्पू की एक शीशी है, तो 180 रुपये तो ठीक है, इसमें 8% बैट जुड़ा हुआ है ना, तो इसको हम जो रियली जो प्राइस था उसका वास्तविक मूल्य उसको एक्स मान लिए, शैम्पू के वास्तविक मूल्य एक्स, अब एक्स में एक्स का 8% जोड़ने पर ये 108 रुपये होगा, ठीक है ना, इस तरह समीकरण बनाने के बाद हम उसी तरह करेंगे जिस तरह पहले बनाए थे। तो ये 100 का एलसीएम 100 ले लिए, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा, यहाँ पे 100x + 8x 100 इधर भागा में इधर आएगा, गुना में हो गया, ठीक है, 108x इधर बचा, तो इधर 108 गुना में इधर आएगा, भागा में हुआ, ठीक, अब इसको छोटा कर देंगे काट चाट के,
तो यहाँ पे x बराबर ऊपर 90, यानी कि 180 को दो बार में काट दिए तो 9 दुनी 18, 180 से उसी तरह 54 दुनी 108 हो जाएगा, ठीक है। 45 दुनी 90, 90 ये कटेगा, 27 दुनी 54 काट दिए, ठीक है। देख रहे इधर 45 गुना 100 बचा, तो अब इसको 27 को फिर 9 तिया 27 कटता है और 15 तिया 45 कटता है, ठीक है। 15 तिया 45 और 9 तिया 27, नीचे 9 बचा ऊपर 15 बचा, फिर 5 तिया 15 और 3 तिया 9 कटे, फाइनली 5 गुना 100 ₹500 हो गया, 500 और नीचे 3 बचा, ठीक है। 500 में 3 से भागा दिए हैं इधर, नहीं दिए हैं सर, तो चलिए 500 में 3 से भागा देंगे। 500 में आप अगर 3 से भागा दीजिएगा तो आपका इतना ही आ जाएगा, 3 से एक बार में लगाएंगे तो 3 बचेगा 2, फिर 0, 3 छक्का 18, ठीक है, 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 उतरेगा, फिर 3 छक्का 18, ठीक है। इसी तरह 2 आता रहेगा, फिर पॉइंट दे के हम 0 उतारेंगे, फिर 3 छक्का 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 छक्का 18, यानी ये डॉट 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 बढ़ता रहेगा, यानी कि 166.66 इसका आंसर देता है। चाहे तो आप एक अंक बढ़ा लीजिएगा, पॉइंट के बाद उतना माना नहीं जाता, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब कहता है यदि किसी वस्तु पर वैट की दर 2% बढ़ जाने से वस्तु का विक्रय मूल्य ₹140 बढ़ जाता है, मतलब कि जो भी होगा उसका दाम उसका 2% 140 होगा, ठीक है ना। किसी वस्तु पर वैट की दर 2% बढ़ जाने से उस वस्तु का विक्रय मूल्य ₹140 बढ़ जाता है, मतलब उसका जो भी प्राइस होगा, ठीक है, जो भी प्राइस होगा उसमें 2% बढ़ाने पर ₹140 बढ़ जाता है, यानी कि इसका इसका 2% 140 होगा, ठीक है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य x होगा, ठीक है। ऐसा माना कि वस्तु का अंकित मूल्य x होगा, ठीक है, बैट की दर 2% है, तो प्रश्न से ही बोल रहा है कि x का 2% ₹140 होता है ना, 2% बढ़ने पर ₹140 हो जाता है, तो x का 2% ₹140 हो जाता है, तो यहाँ पे ऊपर 2x हो जाएगा, नीचे भागा में 100 इधर आएगा, गुना में हो गया 140 गुना 100, तो इधर 2 गुना में है, तो x इधर भागा में आ जाएगा 2, ठीक है। 2 से काटेंगे आप तो 7 दूनी 14 यानी 70 बार में कट जाएगा, 70 गुना 7 से गुना करिएगा आप तो ₹7,000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अतः वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, 7,000 होगा, इसमें 2% बढ़ाएगा तो ₹140 आ जाएगा आपका, ठीक है। एक पैंट एवं एक कमीज का अंकित मूल्य ₹980 है, ठीक है। एक पैंट है जिस और एक कमीज का अंकित मूल्य ₹980 है, यानी दोनों का मिला के ₹980 अंकित मूल्य है। पैंट पर वैट जो लगता है वो 10% तथा कमीज पर 5% लगता है। यदि कुल वैट ₹94 है, यानी इस जो भी पैंट का जो मूल होगा उसका 10% निकालेंगे और कमीज का जो मूल होगा उस पर 5% निकाल के अगर हम जोड़ें तो वो ₹94 हो तो पैंट एवं कमीज का अलग अलग अंकित मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो हम पहले पैंट का अगर एक्स माने, ठीक है, यहाँ पर देख ले, माना पैंट का अंकित मूल्य बराबर एक्स, ठीक है, तो कमीज का अंकित मूल्य कितना होगा, वो एक्स घट जाएगा ₹980 में से, वही उसका मूल होगा, तो इस तरह से हम बनाए। पैंट पर वैट 10% है और कमीज पर 5% है, तो प्रश्न से यही बोल रहा था, प्रश्न से चलेंगे तो एक्स का 10% है ना, एक्स का यानी कि जो हमारे पास क्या था, पैंट था तो एक्स था, उसका मूल एक्स है, तो एक्स का 10% क्योंकि पैंट पर 10% बैट है, तो एक्स का 10% का मतलब गुना होता है, 10% मतलब 10/100, और उसमें प्लस करेंगे कमीज का 5%, यानी कमीज का जो मूल है 980 माइनस एक्स, इसका 5% दोनों का दिया हुआ था कितना, ₹94 ऊपर दिया हुआ था ना, यहाँ पर देख रहे होंगे 10% 5% बैट जो है वो
कुल कितना है 94 रुपये है। ठीक है, इस तरह से हम इक्वेशन यानी कि समीकरण, इस तरह से हम समीकरण बनाते हैं। ठीक है, तो अब यह समीकरण बन गया, तो यहाँ पे 10 100 से 100 काट दिए तो ऊपर तो x बचा खाली। ठीक है, x बटा 10 प्लस में यहाँ पे 5 से इसमें और इसमें दोनों में गुना होगा, तो 980 गुना 5 माइनस 5 गुना एक्स, 5x बराबर में 94 है, बटा में 100 होगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे 10x तो ठीक है, 980 गुना 5 माइनस 5 और बटा में 100, क्योंकि 10 और 100 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 10 और 100 का एलसीएम 100 होगा, तो 10 दहों को 100, तो 10 से गुना होगा ऊपर में 10x। ठीक है, और 100 से 100 में भागा देंगे, एक बचेगा ऊपर में, एक से गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बराबर में 94 लिख दिए। अब 100 तो यहाँ पे भागा में है, तो उधर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा, तो यानी 94 गुना 100, इधर बचा 5x प्लस 9, 5x बचा कैसे, क्योंकि 10x माइनस 5x। ठीक है, तो 10x में से 5 को x घटा देंगे तो 5x बचा, और इधर 980 गुना 5 है। ठीक है, इसको गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करना ही पड़ेगा अंत में। ठीक है, तो 5x बराबर यहाँ पे ये प्लस में टोटल जो डिजिट है वो 980 गुना 5 वो प्लस में है, तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 94 गुना 100 94 हो गया, और ये 980 गुना 5 को गुना करिएगा अगर 8 × 5 = 40। ठीक, एक सुनना तो था उतार दिए, 8 × 5 = 40 का सुनना, बाकी अंत में 4, 9 × 5 = 45 और 4 = 49, यानी 4900। तो 5x बराबर जो बचेगा 9400 में से 4900 घटा देंगे या फिर देखिए, तो बचेगा आपका 4500। ठीक है, 9400 रुपये 0 से 0000 उतर जाएगा। ठीक है, 4 × 5 = 14 लेगा तो 14 होगा, 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा 4, 4500 बचेगा। तो इधर 5 गुना में है, इधर आएगा भागा में, तो 4500 बटा 5, 5 से अगर भागा देगा 5 × 9 = 45 कट जाएगा, 2 × 0 है तो 900 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी x बराबर 900 आया, यानी ये आया जो मूल आया x वो 65 का अंकित मूल है। ठीक है, तो 65 का अंकित मूल कितना आ गया 900, तो कमीज का अंकित मूल कितना होगा 980 माइनस 900, यहाँ पे सुन नहीं रहा, यहाँ पे 980 माइनस यहाँ पे 900 होगा, 2 × 0 है यहाँ पे। ठीक है, घटा देंगे तो बचेगा कितना 80 रुपया, तो आपका दोनों पता चल गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और है, इसमें कहता है क्या कि जो श्रोत्री ने 5% बैट सहित 80 रुपया में खिलौना, ठीक है, जो 80 रुपये में खिलौना खरीदा ना उसमें 5% मिला हुआ है बैट टैक्स, एवं 8% बैट सहित 60 रुपये में एक बिस्कुट पैक खरीदा, यानी जो 60 रुपये में बिस्कुट खरीदा उसमें 8% मिला हुआ है, खिलौने एवं बिस्कुट का अलग अलग अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, अब इसमें मिला हुआ तो इसका जो रियली दाम होगा वो तो कुछ और होगा। ठीक है, तो उसमें 5% जोड़ने पर वो हो गया कितना 80। ठीक है, तो वही माना कि खिलौना का जो अंकित मूल होगा वो हमने x मान लिया। ठीक है, और बैट इसका कितना है 5%, तो प्रश्न से हम अगर चलेंगे तो x का है ना, x का यानी x में प्लस कर देंगे x का 5%, तो वो कितना है 80 रुपया था। ठीक है, x का प्लस कर देंगे x में प्लस कर देंगे x का 5%, 5/100 बराबर 80 होगा। ठीक, अब यहाँ पे इक्वेशन बन गया, 5 से 100 काट देंगे 20 बार में। ठीक, तो ऊपर तो x बचेगा, नीचे 20, यहाँ पे देख रहे हैं कुछ नहीं, तो एक x बटा 20 बचा, एक 20 का एलसीएम लेंगे अगर हम, तो एक 20 का एलसीएम 20 होगा। ठीक, अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे हम, एलसीएम सेम नहीं है, तो 20x प्लस x बचेगा। ठीक, और बटा में 20 है, इधर 80 है, 20x और 1x 21x होगा, यहाँ पे 20 भागा में इधर आएगा गुना में होगा, 80 गुना 20, और यहाँ पे अब
इक्कीस गुना में इधर आएगा भाग में होगा, तो एक्स बराबर 80 गुना 20 बटा 21 होगा। अब इसी को सोल्व करना है हमको, ठीक। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स बराबर जो बचेगा इसका अगर भागा देंगे 8 × 16 यानी 1600 बचेगा, 1600 में कैसे भागा देंगे तो इतना आ जाएगा, देख लिए ऊपर भागा दिए तो 21 में 1600 से अगर हम भागा देंगे तो पहले तो 21 से 7 बार में 147 लगेगा, ठीक। 47 से लगेगा, बचेगा मेरे पास 13, एक जीरो उतारेंगे 130, 21 छक्का 26 से, ठीक है, बचेगा 4 पॉइंट, देखे हम जीरो उतारेंगे एक बार में फिर लगेगा 21, बचेगा 19, ठीक है, फिर एक जीरो उतारेंगे 21 × 89 से, बचेगा 1, ठीक है। इसी तरह फिर ये चलता ही रहेगा, ठीक है, लगभग में 76.19 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 76.19 वो निकल गया। अब पुनः अगर हम चलेंगे तो बिस्कुट का अंकित मूल, खिलौना का 76.19 हो गया, बिस्कुट का अंकित मूल मान लिया जाए 22 होगा। अब उसमें 8% जोड़ने पर ना वो 60 रुपया था, बैट तो उसमें मिला हुआ था तब तो 60 रुपया था। तो प्रश्न चलेंगे तो 22 + 22 का 8%, ठीक है, कितना है 60 रुपये दिया हुआ, बराबर 60 रुपये दो, ये इक्वेशन बनाए, इससे अब सोल्व करके 22 का मान निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा बिस्कुट का अंकित मूल। तो 22 + 8 गुना करेंगे तो हो जाएगा, ठीक, बटा में 100। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 100, ठीक, तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, 100 + 8 = 8 बराबर 60, 108 तो हो जाएगा ऊपर ऐड करने पर, 100 इधर भागा में इधर आएगा गुना में हो गया, ठीक। अब इधर 108 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो गया 22 बराबर, अभी 30 × 60 काटेंगे, 54 × 108 काटेंगे तो ऊपर 30 × 100 और नीचे 54 है, ठीक, कटता है 10 × 30, इसको देख लिए ऊपर 10 × 30 ये फिर कटेगा और 18 × 54 फिर कटेगा, यानी 10 × 100 यहाँ पे देख रहे हैं, 10 × 100 और बटा में 18, ठीक है, 10 × 100 करेंगे तो 1000 बटा में 18, इसको भागा देंगे तो आएगा 55.56, ठीक है, इसको भागा दिए जी, देख लीजिए 18 से भागा देंगे तो 18 × 95 पहले कटेगा तो बचेगा 10, 109 उतारेंगे 100, फिर 18 × 95 कटेगा, फिर बचेगा 10, फिर पॉइंट के बदले में जीरो उतारेंगे, इस तरह से 5 5 5 आता रहेगा, ठीक है। तो चलिए आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे, कॉमेंट लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो कॉमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।